हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलक ब्लॉग्स। तो आज का दिन है मंडे और आज है 11th रोज़ा, मतलब 11वां रोज़ा है आज। आज जब रोज़ा खोलेंगे तो 11 रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग का पहला एक पार्ट ख़त्म हो गया। मतलब लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे लगता नहीं, लेकिन 30 दिन का रोज़ा होता है तो उसमें एक एक पार्ट होते हैं, जैसे 10 दिन 10 दिन 10 दिन। तो ये पहला पार्ट हम लोग ख़त्म हो गया 10 दिन। अब लोग बोलते हैं कि इसके बाद पता नहीं चलेगा रमज़ान कैसे कट जाएगा और ऐसा कुछ है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सामान लेना है, चिकन लेने जा रहे हैं। आज बहुत दिन हो गया क्योंकि बिरयानी खाए हुए, तो आज बिरयानी खाएंगे। और जिन लोगों को भी लगता है ना भाई, हम लोग के घर में बिरयानी और मटन वटन हर रोज़ बनता होगा, तो ऐसा आप लोगों का बहुत गलत सोच है। हम लोग के यहाँ कम से कम नॉनवेज जब भी बनता है ना, करीब करीब एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद बनता है। आज वो डेढ़ दो महीने बाद बन रहा है कम से कम। तो चलिए लेके आते सामान, फिर उसके बाद बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रोज़ा अवतार खुलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, निकलते हैं बाहर। तो भैया अभी यहाँ से इस तरह भी खत्म हो गया, अभी अभी हम लोग जैसे निकले, अब तुरंत जाएंगे घर। हाँ ये इसे क्या बना रहे हो? कुछ वक्त बज रहा है रात के 12 और मैंने जैसे बताया था चिकन लेने गया था तो बिरयानी बनी थी तो भाई खा लिया। खाने के बाद इसीलिए टहल वहल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हैवी रमज़ान के टाइम हैवी कुछ खाना ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा इग्नोर मारते हैं, क्योंकि रमज़ान में हैवी खाने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है खुद को ही। जब रोज़ा रखते हैं ना तो भी इशू होता है, और क्योंकि इतने टाइम से रोज़ा रख रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, तो एक बार की जब हैवी खाते हैं तो बीमार होने का भी डर होता है। तो इसलिए थोड़ा पूरा अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशन हो सके उतना कर लूँ, बाकी फिर कल मिलते हैं। कल क्योंकि काफ़ी भागन दौड़ वाला दिन है, कल मुझे काफ़ी निकलना पड़ेगा, तो बाइक लेके निकलूँगा। तो शायद बैंक जाना है और कुर्ता पजामे के लिए सिलाई के लिए देना है, कुर्ता पजामे कपड़े आ चुके हैं तो वो भी दिखाऊँगा अभी आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कल उनको सिलाई करने के लिए भी दे देना है कि वो लोग कुर्ता बना दें, क्योंकि ईद से पहले हमको मिल जाए। तो इसलिए तो कल का काम काफ़ी है। तो चलिए अभी शहरी में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे। और अभी जस्ट नमाज वमाज पढ़ के रेडी हुए हैं, अभी नाना को लेके जा रहे हैं वो डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद जाएंगे कपड़ा सिलवाने के लिए, मतलब कुर्ता सिलवाने के लिए, कुर्ता को सिलने के लिए देना है, तो वो सारी काम है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई यही कपड़ा है जो भी है, अभी दिखा नहीं रहे हैं। कितने पारे हो गए है, परिचित बनी है। नाना को भी दिखा के आ गए, चलते हैं फटाफट, गाड़ी उठाते हैं, निकलते हैं हजरागंज। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मोटर व्लॉग। तो भाई अभी निकल रहा हूँ यही कुर्ता पैजामा सिलवाने के लिए, तो फटाफट निकलते हैं, 3:30 बज रहा, धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा मैंने रखा हुआ है। और पहले मैं नहीं करने वाला था मोटर व्लॉगिंग, फिर मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि यार बोलते हैं ना तो सलाइवा बहुत बनता है मुँह में। सलाइवा की कहानी भी मैं बता ही देता हूँ अब लोग क्या होती है। क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग बोलेंगे सलाइवा तो मुंह की चीज़ है, उससे क्या मतलब है? देखो मतलब कुछ नहीं है, जो मेरे मुंह के अंदर सलाइवा बन रहा है, जो मतलब नॉर्मली फ्लुएंट है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जब स्टोर होता है माउथ में, वो चीज़ मैं वापस नहीं अंदर ले सकता, उसको मुझे थूकना पड़ता है, जो स्टोर होने लगता है। जब बात करते हैं तो स्टोर होता है, इसलिए तो ऐसा कुछ है। और अभी मैं निकल रहा हूँ, बहुत दिन बाद गाड़ी चला रहा हूँ आज अपनी, और काफ़ी दूर तक बहुत दिनों बाद चलाने जा रहा हूँ। और इससे पता चल रहा है कि ब्रेक तुरंत लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी दिन तक गाड़ी खड़ी रहो तो ब्रेक वेक थोड़ा सही नहीं रहता। देखते हैं आज क्या हाल है। वैसे ही गर्मी बहुत है, होंठ मेरे सूख गए हैं एकदम आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तक तो मैं घर पे था, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास गया नाना को लेके, और लेकिन होंठ बहुत सूख रहे हैं आज बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती,
लखनऊ की, एक ये के किसी वाला पुल, ऐसी बहुत चीज़ें, के किसी वाला पुल हो गया, मवैया वाला पुल हो गया, मतलब कोई चांस ही नहीं है ये सब चीज़ें सही हो जाए। आज भी वैसे का वैसा ही जाम लगता है जैसे 10 साल 9 साल पहले लगा करता था, उल्टा ज़्यादा ही हो गया पहले से। जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है ना, उतना ही विवादित ये जगह है। यहाँ बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई अपने आप को जलाए ले रहा है, कोई कुछ किए ले रहा है। ये दुकान है, काफ़ी साल पुरानी है। हाँ तो भाई दुकान में दे दिया, सब कुछ हो गया, फाइनल कर दिया, फटाफट दे के आ गए हैं। अब निकलना है अमीनाबाद की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पे भी काम है, दवा लेनी है। चलते हैं फटाफट अमीनाबाद पहुँचते हैं और वहाँ से दवा लेते हैं, दवा लेके फिर वापस घर। वापस घर नहीं, सॉरी, बीच में मुझे एक जगह और रुकना है, दरअसल पापा के लिए नई गाड़ी देखनी है, तो चलेंगे अपने दोस्त का ही शोरूम, वहीं चलेंगे, देखेंगे थोड़ा, गाड़ी वाड़ी देख लेंगे, फाइनल कर लेंगे, किसी टाइम भी उसको बुक करके फटाफट ले लेंगे। तो भाई वहाँ से तो निकल आए थे फटाफट और चले गया था मैं एक तरह से गद्दा देखने, मतलब मैट्रेसेस देखने। अब चलता हूँ फटाफट, एक गाड़ी देख लेता हूँ बाबा के लिए, पहले दोस्त के शोरूम चल रहे हैं वहाँ देखते हैं, और फिर हो सकता है फाइनल भी कर दूँ मैं अभी। हीरो यही शोरूम है, चलता हूँ फटाफट अंदर। तो भाई यही है नई गाड़ी, अभी चला के देख रहा हूँ, स्प्लेंडर ही चला के देख रहा हूँ। ठीक है, चलाने में तो मस्त है, मक्खन है। तो जहाँ तक यही फाइनल करूँगा, क्योंकि ये पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं और मुझे चलाने में बहुत सही लग रही है, कोई चेंज नहीं है, जैसे हम जैसे पापा अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं वैसे ही है सेम। लेकिन मुझे लग रहा है टंकी वंकी का साइज़ वाइज बहुत छोटा हो चुका है इसका। तो गाइस अभी गाड़ी चला के देख लिया, गाड़ी पसंद आई मुझे, और मुझे हीरो होंडा ही पसंद आई, क्योंकि रफ एंड टफ गाड़ी रही है यार ये भी, और अभी भी मुझे इंजन सही लगा, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड था, और पिकअप विकअप में कोई इशू नहीं था, चलाने में गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। और पापा अभी तक यूज़ भी करते हुए वही आ रहे हैं, पापा को हीरो होंडा ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं अभी तक। पहले 2007 से पहले वो वाली गाड़ी चलाते थे स्कूटर, उसके बाद से 2007 से उन्होंने ये वाली गाड़ी ले ली थी हीरो होंडा, तब से वो यही चला रहे हैं, उन्हें कोई और गाड़ी समझ नहीं आती। तो मैं सोच रहा हूँ हीरो होंडा ही सही रहेगी उनके लिए। 81,000 कुछ बताया था इन्होंने, हाँ कितने की पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, घर पहुँचते हैं, अब नमाज पढ़ते हैं असर की, रोज़ा खोलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सारे काम जितने होने थे हो गए, बस अब नाना का टेस्ट कराने ले जाना है, बस और कुछ नहीं बचा। तो अभी रोज़ा खोलने का वक्त होने वाला है, जस्ट अभी 6:27 हो रहा है और 28 पे जहाँ तक आज है, तो चलिए रोज़ा उतार करते हैं और फिर उसके बाद तरावी पढ़ने चले जाएंगे, और तरावी भी कुछ दिन में ख़त्म ही होने वाली है हमारी, मुकम्मल होने वाली है। आइए, हाँ आज कितने पे है? 27 पे है। हाँ तो फिर हो रही है।
तो गाइज अभी आप लोग को अगर ये व्लॉग देख के खुशी हुई होगी तो आप मुझे खुश कर दीजिए सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर करके कमेंट करके, और फटाफट कमेंट शेयर लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ये दूसरा व्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो मिलेंगे जल्दी ही, तो बाय बाय, थैंक यू। कुछ ना कहे सुनता रहूं।